जी हिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ एंड कंप्यूटर असिस्टेंट यानी कि सीए सिलेबस 2019 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। पर दोस्तों उसके पहले आप जान लीजिए कि अभी जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी पर भरोसा करके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन इसके माध्यम से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इसके सिलेक्शन मोड के बारे में बताता हूं कि आपका सिलेक्शन कितने स्टेज के अंदर पूरा किया जाएगा या फिर कितने राउंड के अंदर पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो दो स्टेज के द्वारा किया जाएगा। पहले स्टेज के अंदर आपका रिटर्न एग्जाम होगा और दूसरी स्टेज में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसको आप स्टेज टू बोल सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों वही लोग स्टेज टू दे पाएंगे जो लोग रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्टेज वन यानी कि रिटर्न एग्जाम का पैटर्न कैसा है और इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना समय आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले आप जो आपका स्टेज वन का रिटर्न एग्जाम है इसके बारे में जानकारी अच्छे से जान लीजिए। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 200 क्वेश्चन ऑन ओएमआर आंसर शीट, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो 200 क्वेश्चन के लिए होगा, यानी कि एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। यानी कि जैसे कि केबीसी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के लिए चार विकल्प दिए जाते हैं, ऐसे ही इस एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे और आपको अपने आंसर ओएमआर शीट के ऊपर देने होंगे। रिटर्न एग्जाम विल बी ऑफ मैक्सिमम 200 मार्क्स, और दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एग्जाम है इसमें 200 क्वेश्चन और 200 ही मार्क्स होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न एग्जाम विल बी 230 आवर यानी कि 150 मिनट, यानी कि एग्जाम करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन दी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि इस एग्जाम के अंदर और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर निगेटिव मार्किंग होती है, फिर वो लोग जो एक तुक्का मारने की कला है उस कला का प्रयोग नहीं कर पाते। अगर वो उसको प्रयोग करते हैं तो फिर उन्हें जो उन्होंने अपने सही आंसर देकर के नंबर कमाए हैं उनको भी खोना पड़ जाता है। इसलिए इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपकी जो तुक्का मारने की कला है आप उसको मार सकते हो, और जो आपको आंसर सही आते हैं उनका आंसर तो आप पहले ही कर दीजिएगा। अब यहां पर आता है दी क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है और जो आपका एग्जाम पेपर आएगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, यानी कि पेपर बिलिंगुअल रहेगा। आप जिस लैंग्वेज में रीड करके उसके आंसर करना चाहो कर सकते हो। दी लेवल ऑफ द पेपर विल बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल या फिर जो क्वालिफिकेशन आपसे इस भर्ती के लिए मांगी गई है, जो कि शायद ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट लेवल के ही आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, पर इसमें जो आपके मैथ टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपके 10th लेवल के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप स्टेज टू के बारे में भी जान लीजिए। 5 कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी वैकेंसी इन इच कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी कॉल्ड टू पार्टिसिपेट इन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी कि जितनी भी वैकेंसी निकली है उसके आप 5 गुना मान लीजिए आप आगे भेज जाएंगे, यानी कि जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं रिटर्न एग्जाम में उसके 5 गुना लोग जितनी वैकेंसी आपकी है आगे आपके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए भेज जाएंगे और सभी कैटेगरी में से इसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के अंदर क्या होगा उसकी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और यहां पर दिया है नोट करके देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर ईच पोस्ट, यानी कि इसमें किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। आपका स्टेज वन होगा और फिर आपका स्टेज टू होगा और जो लोग स्टेज टू क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो मैं आपको जो स्टेज वन का मैंने एग्जाम पैटर्न आपको बताया है इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बानाइजेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंसिया
स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश नॉलेज ऑफ इंग्लिश सॉरी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो आपकी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन आएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये सब्जेक्ट या फिर ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के रहने वाले हैं। अगर आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अब चलिए जो आपका दोस्तों स्टेज टू है इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी देख लीजिए कि कैसा रहने वाला है। कंप्यूटर टेस्ट ऑफ 15 मिनट ड्यूरेशन ऑफ 50 मार्क्स शैल बी हेल्ड एट अलाहाबाद, यानी कि जो आपका स्टेज टू का एग्जाम होगा यानी कि आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा ये अलाहाबाद के अंदर होगा और ये 15 मिनट के लिए होगा जिसमें कि आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड विच दे शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 50 मिनट, यानी कि आपको एक पेज दिया जाएगा या फिर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि 500 वर्ड का होगा और इंग्लिश के अंदर होगा, तो आपको क्या करना है उसको पेज से आपको कंप्यूटर के अंदर टाइप करना होगा सेम जानकारी के साथ, यानी कि उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है और ना ही कोई आपको गलती करनी है, और आपको ये करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा फॉर एडजस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि पहले आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एडजस्ट कर लीजिए 15 मिनट, फिर आपको नेक्स्ट 50 मिनट जो दिए जाएंगे 15 मिनट उसमें आपको ये एग्जाम करना होगा जो कि आपका होगा एक पैराग्राफ को देख करके कंप्यूटर में टाइप करना जो कि 500 वर्ड का रहेगा। दी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट विल इंक्लूड डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन ETC। दी मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेंड इन स्टेज टू फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन शैल बी 17, यानी कि जो आपको 15 मार्क्स के लिए एग्जाम रखा है इसमें आपको कम से कम 17 यानी कि 17 मार्क्स प्राप्त करने होंगे अगर आपको ये क्वालिफाई करना है और फिर अगर आपको इसमें सिलेक्ट होना है। और जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है ये इंक्लूड करेगा यानी कि शामिल करेगा अपने आप में डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन ETC, ये जानकारी भी आपसे वहाँ पर मांगी जा सकती है ये पैराग्राफ लिखने के बाद में। स्टेज टू फॉर बींग अगर आपको इसके में एलिजिबल होना तो जैसे कि मैंने आपको बताया कम से कम 17 मार्क्स प्राप्त करने होंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ये 17 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क रखे गए हैं स्टेज टू के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी कि कैसे आपको अलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेज टू का एग्ज़ाम पैटर्न है या फिर जो आपका एग्ज़ाम है ये कैसे देना है, और जो आपका मेन सिलेबस है एग्जाम पैटर्न है स्टेज वन है उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।